आम आदमी पार्टी ना गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर भाजपना गुंडाओ द्वारा हुमलो करवामां आव्यो हतो, जेमां तेओ गंभीर रीते इजाग्रस्त थया हता। तो आ संदर्भमां आम आदमी पार्टीना राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सूरत आव्या हता। राघव चड्ढा सांजे 4:30 सूरत एरपोर्ट पर पहोंच्या हता, जे आम आदमी पार्टीना गुजरात प्रदेश प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक अने आम आदमी पार्टीना गुजरात प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं तेमनुं स्वागत कर्युं हतुं। आम आदमी पार्टीना राज्यसभाना सांसद राघव चड्ढा सूरत एरपोर्ट पर पत्रकारों साथेनी वातचीतमां जणाव्युं हतुं के गुजरातमां छेल्ला 27 वर्षथी भाजपनुं शासन छे, परंतु आजे अरविंद केजरीवाल अने आम आदमी पार्टीना वधता प्रभावथी तेओ खूब ज भयभीत थई गया छे, અને આ ભયમાં હવે તેમણે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓને મારવાનું અને માથું મારવાનું શરૂ કર્યું છે। આ એ વાતનો પુરાવો છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટીની લોકપ્રિયતા ગુજરાતમાં ઘરે ઘરે પહોંચી રહી છે। આ સાથે તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને ટકોર કરીને કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીથી એટલા ડરી ગયા છો કે ગભરાઈ ગયા છો કે તમારા ગુંડાઓને આગળ કરીને રાજનીતિ કરવા માંગી રહ્યા છો અને તમારી પોતાની તાકાતથી વિપક્ષને કચડી નાખવા માંગો છો, અને જો તમે ગુજરાતની કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સંભાળી શકતા નથી તો મહેરબાની કરીને રાજીનામું આપી દો। આવતીકાલે જો ગુજરાતમાં ચૂંટણી યોજાશે તો તેના માટે પણ આમ આદમી પાર્ટી તૈયાર છે। ઉપરાંત તેમણે ભાજપના નેતાઓને દારૂનો ધંધો ચલાવતા હોવાના પણ આક્ષેપ કર્યા હતા। આ ઉપરાંત ગુજરાતની પોલીસ ભાજપની છે, ગુજરાતના ગુંડા ભાજપના છે અને તેઓને કહીને અમારા પર હુમલો કરાવી રહ્યા હોવાના આક્ષેપ પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા। तो अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, सीख देने वाले राष्ट्रपिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी की धरती पर भारतीय झगड़ा पार्टी ने आज हिंसा का एक नया पाठ गुजरात प्रदेश में शुरू किया है। भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की मारपिटाई ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते जन समर्थन से, बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है और भाजपा के कैंप में डर और बौखलाहट का माहौल कुछ इस प्रकार है कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई, जो भगवान गणेश की पंडाल में शांति से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई को भाजपा के गुंडों ने मार मार के, पीट पीट के उनका सर फोड़ दिया। ये हिंसावादी पार्टी आज भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है, अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। पिछले 27 सालों के शासन में बीजेपी ने पूरे गुजरात में बुनियादी सुविधाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक हर चीज बद से बदतर कर दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पटेल साहब को और उनके प्रदेश अध्यक्ष पाटिल साहब को, पटेल और पाटिल दोनों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नहीं दे सकते, अगर आपने अपने गुंडों की फौज से सड़कों पे लोगों को और विपक्ष के नेताओं को पिटवाने का काम दे दिया है, तो आप सरकार में बने रहने के हकदार नहीं है। आप आज इस्तीफा दे दीजिए और आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। हम डिमांड करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और आम आदमी पार्टी कल ही गुजरात में फ्रेश इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दूसरा पॉइंट, आज गुजरात में इलीगल शराब का व्यापार, इलिसिट लिकर का व्यापार हजारों करोड़ों रुपए का सालाना हो रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इस इलीगल शराब के व्यापार में जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी
इस जांच से और इस घोटाले से भाग रही है। ये क्यों ना माना जाए कि गुजरात के अंदर इलीगल शराब का सारा कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और आज हर सर्वे ये दिखा रहा है कि गुजरात में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या और कोई पार्टी दूर दूर तक मैदान में नहीं। और ये इस बात से साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही अटैक करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही हमला करते हैं। कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस के नेता पे अटैक करते देखा, उसे मारते पीटते देखा? कांग्रेस आज भाजपा को चुनौती नहीं दे पा रही। गुजरात का और आने वाला देश का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। और एक बात, गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी बात जो होती नजर आ रही है, इस लड़ाई झगड़े इस मार पिटाई के माहौल में, इस गुंडागर्दी के माहौल में एक चीज जो एक उम्मीद की किरण बनके उभर रही है वो ये है कि गुजरात 2022 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी द्वारा गुजरात के अस्पतालों, गुजरात के स्कूल, गुजरात की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने पर, गुजरात के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने पर होने जा रहा है। और बेरोजगारी कैसे कम करी जाए, महंगाई कैसे कम करी जाए, और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली में हमने देखा, जो पंजाब में हम देख रहे हैं, उसे गुजरात में कैसे लाया जाए, इस मुद्दे पर होने जा रहा है। और गुजरात 2022 का चुनाव नकली गुजरात मॉडल बनाम असली अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस होने जा रहा है। ये लड़ाई भाजपा वर्सेज आम आदमी पार्टी और नकली गुजरात मॉडल वर्सेज असली केजरीवाल मॉडल होने जा रहा है। और विजय इस बार अहिंसा की होगी, विजय इस बार सत्य की होगी। जो बापू ने हमें पाठ पढ़ाया था कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर जब काले अंग्रेजों को देश से निकाल दिया तो ये गोरे अंग्रेज भाजपा के हैं, इन्हें भी सत्ता के गलियारों से हम निकाल कर ही चैन की सांस। कोई सवाल हो तो आप। पूरा देश इस बात को जानता है कि जहां पर भी गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, मार पिटाई करकर हमारे प्रदेश के महामंत्री का सर फोड़ दिया। हम अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं, अस्पताल में खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा है, उनसे अभी बस मिलकर लौटे, उनका पूरा सर यहां से फोड़ दिया। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री को इतनी बेरहमी से पीटा हमारा, और ऊपर से आरोप भी हम पर लगाते हैं कि हमने लड़ाई। पूरा देश और गुजरात का एक एक शख्स ये जानता है कि भारतीय झगड़ा पार्टी ही हर जगह गुंडागर्दी करती है।